लखनऊ से है बड़ी खबर ये कि बीजेपी से जुड़ी हार की समीक्षा की रिपोर्ट सौंपे जाने का आज अंतिम दिन है। आज लोकसभा क्षेत्र में सभी टास्क फोर्स के मेंबर अपनी फाइल और तीसरी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। 80 लोगों की रिपोर्ट को देने के लिए बनाई गई थी। हर दो लोकसभा सीट की समीक्षा के लिए दो मेंबर नियुक्त किए गए। तो रिपोर्ट सौंपने का आज आखिरी दिन है। समीक्षा लगातार हो रही है। जिन जिन सीटों पर हार मिली है क्या बचा रही है, प्रदेश अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट जो है ये टीम से सौंपेंगी, क्योंकि बाकायदा टीम्स का गठन किया गया था जो कि ये पता लगा रही थी कि आखिर हार की वजह क्या रही है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आज अंतिम दिन है रिपोर्ट सौंपने का। देखिए बिल्कुल, आज जो है अंतिम दिन है रिपोर्ट सौंपने का, और चूंकि लगातार अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जो टीमें हैं वो गई थी, और ऐसे में अगर हम बात करें तो दो लोकसभा क्षेत्रों के लिए बाकायदा दो लोग की टीम बनाई गई, जिसमें पदाधिकारी इसके साथ साथ पूर्व विधायक जो है वो शामिल थे। कुल 80 जो लोग थे वो उनकी टीम बनाई गई थी। टास्क फोर्स का नाम दिया गया था, और चूंकि तीन रिपोर्टें टोटल जो है मिलनी थी प्रदेश अध्यक्ष को, जिनमें दो रिपोर्टें जो है वो मिल चुकी हैं, जिसमें हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी है कि किस वजह से वो हारे। जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो मंडल लेवल पर जो रिपोर्ट थी वो भी मिल चुकी है। विस्तारकों के साथ कल बैठक कर चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष, और आज तक जो अंतिम दिन है 25 तारीख तक, चूंकि कहा जा रहा था कि तमाम जो लोकसभा क्षेत्रों में गए हुए मेंबर्स थे वो लोग अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे 80 लोकसभा सीटों की। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है वो बेहद अहम है। आज अंतिम दिन के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि आज रिपोर्ट जो है वो अंतिम दिन के तौर पर जो है आज सौंप दी जाएगी, और उसके बाद तीनों रिपोर्ट का मिलान कराने के बाद ये रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे, और ये माना जा रहा है कि इसी महीने जो है वो दिल्ली में बैठक हो सकती है, और दिल्ली में बैठक में इस रिपोर्ट को लेकर जो है प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे और इस पूरी रिपोर्ट को जो है केंद्रीय आलाकमान को सौंपेंगे, और हार की क्या कुछ वजह रही हैं इन सब चीज़ों को लेकर जो है चर्चा होगी, और इस पूरी रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी होगी कि किसने भीतरघात किया है, किस वजहों से जो है बीजेपी हारी है। तो हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की जो टीम है वो आज अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रदेश अध्यक्ष को सौंप सकती है। बिल्कुल विशाल, सीधे तौर पर कहा जाए तो बारीकी से इस पर काम किया जा रहा है, और आज जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो जो लूप होल्स थे वो कुल मिलाकर कह सकते हैं आज सामने आ जाएंगे पूरी तरीके से, जब रिपोर्ट सबमिट कर दी जाए, क्योंकि आखिरी दिन है। देखिए बिल्कुल, ये आपको बता दें कि जो लूप होल्स थे वो सामने आ जाएंगे, और खास बात यह है कि हार के कारणों की वजह क्या रही है, कहाँ पर जो है चूक हुई थी। इसके साथ साथ जो आपसी जो अनमन की बातें निकल के आई हैं कि विधायकों की और प्रत्याशियों के बीच की बात जो है लगातार लड़ाई जो है तकरार बढ़ती रही थी, इसके साथ साथ जिला अध्यक्षों की क्या भूमिका रही थी, मंडल लेवल पर क्या कुछ जो है तमाम जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने कितना काम किया, तो उन सब चीज़ों की एक एक रिपोर्ट जो है वो पूरी तैयार की गई है, और आज उसका अंतिम दिन है आज सबमिट करने का, और ये माना जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों की रिपोर्ट जरूर दे दी गई है, कुछ जगहों पर खुद प्रदेश अध्यक्ष गए थे। ऐसे में अभी जो आज हर एक लोकसभा की जो रिपोर्ट है वो प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जा सकती है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष इस रिपोर्ट को केंद्रीय आलाकमान के पास भेजेंगे, और उसके बाद ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में किस लेवल पर बदलाव करना है। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी देने के लिए।